खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरा भारत आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट और विजय घाट पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टीएमसी ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने गांधी जी को खराज अकीदत पेश की। गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने बापू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ अन्य कई नेता नजर आए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। तो चित्तौड़गढ़ पहुंचे नरेंद्र मोदी ने सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद वो जीप में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में अपनी सार्वजनिक रैली के स्थल पर एकत्रित लोगों का अभिवादन किया, जहां उनका मंच पर स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथियों, गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि जब एशियाई खेलों का फाइनल होगा तो भारत के खिलाड़ी अधिक संख्या में पदक लेकर वहां मौजूद होंगे। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरे लिए खुशी की बात थी जब रश्मिना देवी वुशु में मेडल जीतने के बाद हम सबसे अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर कर रही थी, तो वहीं पर टेनिस के खिलाड़ियों ने भी, जहां एक और रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में अपना दूसरा मेडल जीता, तो वहीं पर उनके साथी खिलाड़ियों ने अपना अनुभव यहां पर शेयर किया। शूटिंग में हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने का एक रिकॉर्ड कायम किया है और एक कीर्तिमान जो बना है। मैं कहूंगा सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई, और जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुसार अभी तक मेडल टैली ठीक चल रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब फाइनल डे खेलों का होगा तो भारत के आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतने का एक रिकॉर्ड भी बनेगा। देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं यौमे पैदाइश मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज देशवासी उन्हें याद कर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा देश आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं यौमे पैदाइश पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देशवासियों को
अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सोमवार को पटियाला पहुंचे और माता कौशल्या अस्पताल के अपग्रेडेशन का नींव पत्थर रखा। तो पटियाले से पंजाब के 14 सरकारी जिला अस्पतालों की अपग्रेडेशन की भी शुरुआत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने महात्मा गांधी और पंडित लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पटियाला पहुंचने पर सीएम केजरीवाल और भगवंत मान का फूल देकर स्वागत किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल पटियाला में एक नए आपातकालीन और बाल चिकित्सा वार्ड का उद्घाटन किया गया। भगवंत मान 550 करोड़ रुपए की लागत से 19 जिला अस्पतालों और 6 उपमंडल अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों को अपग्रेड कर रहे हैं। 1906 में स्थापित किए गए सरकारी माता कौशल्या अस्पताल को अपग्रेड कर मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। यह अस्पताल करीब 20 लाख की आबादी को चिकित्सा सेवाएं मुहैया करा रहा है। हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यौम पैदाइश मनाई जाती है। इस बार देश बापू की 154वीं जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी को नमन किया। इस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बात की। बता दें कि महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए सबको गांधी जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल तक। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था, जिसने देश को दुनिया को संदेश दे दिया हो और जिसके बर्थडे को, जन्मदिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी है। तो उस जयंती पे जब सब इकट्ठे होते हैं तो गर्व महसूस होता है।